दबंगों ने एक युवक को प्यार करने की ऐसी सजा दी कि यह हादसा देखने और सुनने के बाद शायद उस पूरे गांव में फिर कोई प्यार करने की हिम्मत ना जुटा पाएगा। दबंगों का दिल तब भी नहीं पसीजा जब जिंदा आग में जलता युवक जिंदगी की भीख मांग रहा था, और कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्यार करने की गुस्ताखी की थी। प्यार की भेंट चढ़े युवक ने अपना दर्द खुद बयां किया। क्या हुआ था आपके साथ में? किसने क्या किया? कैसे क्या जल गया? हम सारे दुकान पर गए। थोड़ा कुछ कहते हैं इसी बात पर उन्होंने पकड़ के हमें मारा, कमरे में बंद कर दिया, लगा झेंडे पेट्रोल डाला और उनकी बीवी ने जला दिया हमें। और आपके साथ में माँ भी थी? हाँ, मम्मी की तबीयत खराब थी। मम्मी के पास जा रहे थे, 30,000 रुपये थे मेरे पास। मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव भदेचा का है, जहां एक युवक गांव की ही लड़की के साथ प्रेम में था। लड़की से मिलने युवक उसके घर गया था, लेकिन जब घर वालों ने उन्हें आपत्तिजनक हालात में देखा तो उसे घर के अंदर ही बंधक बनाकर उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 100 ने युवक को जिला चिकित्सालय हरदोई उपचार के लिए एडमिट कराया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। SP आलोक प्रियदर्शी का कहना है, फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कल रात में 1:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली 100 नंबर पे कि भदेचा गांव में एक मुनू नाम का लड़का है जिसको जो जली हुई अवस्था में वहाँ पाया गया है। इस सूचना पर डायल 100 की गाड़ी वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ से उस लड़के को गाड़ी में लाद करके और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा दिया गया। तो घटनाक्रम के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि मुनू कल राधे श्याम गुप्ता जो प्रतिवादी हैं उनके घर में उसको जलाया गया था, और घटना के बैकग्राउंड में और छानबीन करने से पता चला कि 6 साल पहले राधेश्याम गुप्ता की भतीजी के साथ मोनू का कोई प्रेम प्रसंग था, जिसके चक्कर में वो पहले भी वो लोग एक बार गायब हो चुके थे, लेकिन तब उनको रिकवर करके ले आया गया था और तब से लड़की पे भी निगाह रखी जा रही थी। और कल भी कुछ ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि उसी से मिलने के लिए लड़का वहाँ गया और वहाँ घर वाले जग गए, और जो वादी है उनका आरोप यह है कि घर वालों ने उसको पकड़ करके उसको जला दिया। राधेश्याम गुप्ता का वहाँ केरोसिन का भी व्यापार है, उनका कहना है कि उसी में उन्होंने उसको जला दिया। लड़का जली हुई हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है, लखनऊ के लिए रेफ़र करा दिया गया है। घर वालों की तहरीर पर मुकदमा कायम करके और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। युवक के साथ हुई इस घटना से आहत परिजन जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। NTTV भारत के लिए हरदोई से अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।